बाज़ार में बहुत सारे कूलर मिलते हैं, नागपुरी कूलर, दिल्ली कूलर और बहुत किस्म का कूलर मिलता है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है नीचे का टंकी ख़राब हो जाता है जिसमें पानी स्टोर होता है, तो वो टंकी बनाने आज मैं आपको बताऊंगा नागपुरी कूलर का किस तरह बनता है। तो देखो ये नागपुरी कूलर का टंकी कटा हुआ मैं काट के रखा हूँ, ये बनता कैसा है किस तरह बनता है वो मैं आपको आज बताता हूँ। देखो इस तरह कटा हुआ है टंकी, ठीक है। अगर काटना भी सीखना होगा तो मुझे कमेंट करोगे मैं बता दूंगा। तो ये देखो एकदम आसान तरीके से इसको बता देता हूँ जिस तरह मैं बनाता हूँ बराबर। तो ये जो टंकी है इसको, ये नागपुरी जो कूलर बनता है इसका टंकी थोड़ा अलग किस्म का बनता है और सब टंकी से, तो इसको ये कटिंग इसका थोड़ा सा अलग रहता है, बाकी सब कुछ तो ऐसे ही रहेगा, खाली इसका मुड़ाई करने का तरीका अलग होता है, जो मुड़ाई आपको मैं बताता हूँ किस तरह होगा। सबसे पहले तो ये सब इस तरह जिस तरह जनरली कूलर का टंकी बनता है उस तरह बन रहा है, देखने से आपको समझ में आ जाएगा, देखते रहो आप। और भी जो जो कूलर जिस तरह का कूलर का अगर अलग किस्म का कूलर है आपके पास में तो वो भी आप कमेंट करोगे तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, उसका टंकी किस तरह बनता है, उसका ढक्कन किस तरह बनता है, सर्कल किस तरह बनता है। क्योंकि कूलर का बॉडी का अक्सर क्या होता है कि जो उसका पार्ट सब ख़राब होता है, सबसे ज़्यादा टंकी ख़राब होता है, तो टंकी किस तरह बनता है वो इस वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ। इसका मुड़ाई थोड़ा अलग किस्म का होता है और तो आपको 3,500 रुपये में मिल जाता है, लेकिन टंकी 500 रुपये में बनता है। अगर अलग से आप लोगे तो 500 रुपये में सिर्फ टंकी मिलता है, ठीक है। और अगर आप इसको अगर मोटे प्लेट में बनाते हो या पतले में बनाते हो तो थोड़ा कम भी पड़ सकता है या थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है। ये उड़ीसा का रेट मैं आपको बता रहा हूँ, उड़ीसा जो है वहाँ का ये रेट है। ये बिल्कुल मैं हाथ से बना के दिखाऊँगा आपको, इसे मशीन का कोई इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये हाथ से मैं बना के दिखाता हूँ। देखो इसका मुड़ाई करने का तरीका कितना अलग है। इस तरह मुड़ाई होता है। और एक चीज में पिछले वीडियो जो बनाया था मैं कूलर का जो बॉडी बना के दिखाया था कंप्लीट, उसमें एक चीज़ में बताना भूल गया था, नीचे में जो टंकी होता है, जो ये जो टंकी बन रहा है इसमें एक स्टील पुटिंग आता है, वो शायद मैं बता दिया था, तो वो लगाना भी ज़रूरी है। इसमें मैं लगा कर दिखाऊंगा आपको कि स्टील पुटिंग कहाँ कैसे लगाया जाता है, और एशियन पेंट्स का जो पुटिंग आता है स्टील पुटिंग उसको लगाया जाता है। तो बनने के बाद मैं स्टील पुटिंग भी मैं लगा कर दिखाऊंगा। देखो ये पाखा है, मोड़ रहा हूँ, इसको लोहा रख के पीटना है, कुछ बीच में गेप दे के पीटना है, तो उसमें एक जहाँ जाली रखाती है वहाँ रखने के लिए एक बीच में गेप रहता है, इसलिए वो लोहे को रख करके उसमें मारूंगा तो उसमें गेप आएगा, इसलिए उसको लोहा रख करके मैं पीट रहा हूँ। देखो इस तरह इसको बंका बोलते हैं पीटने वाला को, इसको रख के मैं मार रहा हूँ। बहुत से भाइयों ने मोबाइल नंबर मुझसे मांगा, लेकिन मोबाइल नंबर इसलिए नहीं देता हूँ, मेरे भाई 2-3 लोगों को दिया नंबर तो फ़ोन बहुत आने लगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त सब फ़ोन करते हैं। एक अलग नंबर मैं YouTube के लिए लूँगा और वो नंबर ज़रूर शेयर करूँगा। देखो इस तरह ये बनता है। बाकी जैसे कुछ पूछना होगा तो कमेंट से आप पूछ सकते हो, कमेंट में अगर जवाब मैं नहीं भी दूँगा मेरे भाई तो वीडियो में बनाता हूँ तो उसमें मैं जवाब दे देता हूँ आपके सवालों का, तो अगर आप वीडियो देखोगे तो जवाब मिल जाएगा। और
औजार कहाँ मिलता है, बहुत से लोग पूछते हैं औजार कहाँ बनेगा, कहाँ मिलेगा, तो औजार भी मेरे पास से मिलता है। औजार देखो, उड़ीसा का मैं रहने वाला हूँ, उड़ीसा में हमारा दुकान है, मतलब काम होता है। तो उड़ीसा में से अगर आस पास में हो, आप बिहार में हो, बिहार से थोड़ा दूर हो जाए, झारखंड में हो, ठीक है, तो अगल बगल में अगर हो तो वहाँ पर ही मिल सकता है आप, और अगर नहीं मिल सकता तो फिर मैं मोबाइल नंबर दूंगा, तो उसमें आप संपर्क करोगे मुझसे, तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर से आप जा कर के ले सकते हो, ठीक है, या फिर अगर कोई ऐसा सुविधा होगा तो मैं यहाँ से भी भेज सकता हूँ आपको, अगर कुछ ऐसा सुविधा होगा। अभी तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सा काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कूलर का जाली भी काट के आपको दिखाना था, ये प्रेसिंग मशीन में कूलर का जाली कटता है, देखो इस तरह ये टंकी बन रहा है, ये तैयार हो गया, इसमें खाली जॉइंट मारना है। तो जो कूलर का जाली है, कूलर का जाली का मैं पूरा प्रेसिंग मशीन में काट के आप सबको दिखाऊंगा किस तरह कूलर का जाली कटता है, लेकिन उसके लिए लॉकडाउन यहाँ लगा है। लॉकडाउन खुल जाने के बाद दुकान खुलेगी, तो उसके बाद में मैं आपको काट के ज़रूर दिखाऊंगा प्रेसिंग मशीन में किस तरह जाली काटा जाता है, ठीक है। वो तो हाथ से कटता नहीं है, वो सब प्रेसिंग मशीन में कटता है। देखो ये बन गया टंकी, नागपुरी कूलर जो होता है उसका ये टंकी है, और जो अलग अलग कूलर बनता है उसका अलग अलग किस्म का अलग अलग टंकी बनता है, तो मैं उसको भी बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अगर आपको जानना है तो कमेंट करना, थोड़ा देर सवेर लेकिन वीडियो मैं बना के डालूंगा ज़रूर, और जो जो सब्सक्राइब करके रखते हैं सबके पास वीडियो पहुंच जाता है मेरे भाई जी, ठीक है। और मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, कुछ दिन के बाद में मोबाइल नंबर मैं शेयर करूँगा, क्योंकि ये जो मेरा पर्सनल नंबर है एक, तो उसमें क्या मेरे फैमिली वालों का, मेरे दोस्तों का फ़ोन आता है, उसमें अगर यूट्यूब में मैं वो नंबर डाल देता हूँ तो उसमें बहुत सारे फिर फ़ोन आने लगेंगे, तो फिर मैं उसको फिर अपने लोगों का भी फ़ोन रिसीव नहीं कर पाऊँगा, तो आप बात समझ सकते हो। देखो ये स्टील पुटिन है, एशियन पेंट्स कंपनी का ये पुटिन आता है, इससे पानी जो लीक नहीं होगा और ये ख़राब नहीं होता है, मतलब समझो कि पूरा कूलर ख़राब हो जाएगा आपका, 10 साल में सड़ जाएगा, लेकिन ये पेंट या ये पुटिन वैसे ही रह जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा एक बार लगा देने के बाद, ठीक है। इसको इस तरह पानी में रखा जाता है, देखो इस तरह रहता है, आप देख लो, ये कोई भी पेंट दुकान में आपको मिल जाएगा, इसको बस जॉइंट में आपको लगा देना है, लगा देने के बाद झड़ता नहीं है, सूख जाने के बाद में पूरा स्टील का ऐसा कड़क हो जाएगा कोई इसमें, फिर ये हटेगा नहीं और लीक भी नहीं होगा वहाँ पानी, बस इस तरह इसको लगा देना है। बाकी अगर आपको कोई पूछना है, कुछ सवाल रहेगा तो कमेंट कर दोगे तो मैं बता दूंगा, और कमेंट में नहीं बताया तो दूसरा वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने का ज़रूर कोशिश करूंगा, ठीक है। कुछ दिन के बाद मैं नंबर शेयर करूंगा मेरे भाई, अभी तो नहीं लेकिन शेयर ज़रूर करूंगा, चलो ठीक है।